पैराफिन वैक्स एक तरीके का हीटिंग मोडालिटी वर्क ऑन द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और स्टिमुलेट करके क्या करेगा, लोकल हाइपरेमिया करेगा एंड वेसोडाइलेशन। अब नेक्स्ट हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पैराफिन वैक्स। तो इंडिकेशन में क्या है कि बहुत इजी कि पेन को रिड्यूस करेगा, वेरी कॉमन सा चीज है ना कि पेन को रिड्यूस करेगा, मसल स्पैल्स को रिड्यूस करेगा, सॉफ्टन स्कार एंड एडहेशन। बताए थे किसमें बताया, स्ट्रेचिंग इफेक्ट में कि स्कार को एंड एडहेशन को कैसे ये सॉफ्टन करेगा और कैसे हटाएगा, है ना। एडिमा को, इन्फ्लामेशन को, ये दोनों को रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा कि जो भी पोस्ट ट्रोमेटिक स्वेलिंग होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्वेलिंग किसका, हैंड का एंड फीट का, या फिर पोस्ट या फिर स्वेलिंग ऑफ हैंड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर स्वेलिंग ऑफ हैंड इन सब अक्यूट एंड क्रॉनिक स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या करेंगे कि जेंटल हीट देंगे, तो जेंटल हीट देंगे तो ये सब जो भी स्वेलिंग है इसको रिड्यूस करेगा, दैट इज द इंडिकेशन फटाफट। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, है ना। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या है, इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्किन सेंसेशन है वो अगर इम्पेयर्ड है, वो अगर डैमेज है, इम्पेयर्ड का मतलब क्या हुआ, या तो डैमेज या तो वीक। तो अगर वो स्किन सेंसेशन डैमेज है तो कैसे इसको हम समझेंगे कि वो स्किन का सेंसेशन कैसा क्या है, तो पहले स्किन को टेस्ट करेंगे, है ना, स्किन को टेस्ट करेंगे, उसे समझ में आएगा कि वो जो स्किन है वो इम्पेयर्ड है कि नहीं है। अगर इम्पेयर्ड है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि वो गर्म है कि नरम है, कैसा है ना। नेक्स्ट क्या आता है, डर्माटोलॉजिकल कंडीशन। कोई भी जो स्किन का कंडीशन है उसमें हम नहीं देंगे। कैसे, जैसे कि एक्जिमा है, एथलीट्स फुट है, डर्माटाइटिस है, तो इसमें हम नहीं देंगे, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक। कैपिलरी डिस्फंक्शन, कोई भी जो ब्लड वेसल का जो कैपिलरी है उसमें डिस्फंक्शन है तो नहीं देंगे। जैसे कि वेरिकोज वेन है, डीवीटी है, जिसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियल डिजीज है, तो उसमें हम नहीं देंगे। आ रहा ना समझ में, ठीक। एनाल्जेसिक ड्रग क्या, अगर कोई पेशेंट स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक ड्रग ले रहा है तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें हम उस पेशेंट को डायरेक्टली जब वो ड्रग लेता है, डायरेक्टली जब वो ड्रग ले रहा है, इनटेक कर रहा है, तो उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर द इनटेक ऑफ ड्रग हम हीट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ठीक। इन्फेक्शन एंड ओपन वुंड में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हीट को अगर बढ़ाएंगे तो इन्फेक्शन का भी लेवल बढ़ेगा, तो इन्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा तो भाई ये तो गलत बात है ना, इन्फेक्शन का लेवल को घटाना है ना, बढ़ाना नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्या है, कैंसर या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जब हीट हम लेंगे, जो पैराफिन वैक्स से हीट हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा, मेटाबोलिक रेट इंक्रीज करेगा। मेटाबोलिक रेट जब इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ ऑफ डिजीज, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिजीज वो भी इंक्रीज करेगा, और इससे क्या होगा, डिजीज स्प्रेड करेगा, है ना। तो क्या करेंगे कि कैंसर या फिर ट्यूबरक्लोसिस में नहीं लेंगे। डीप एक्सरे थेरेपी, इसमें भी हम नहीं लेंगे। जब डीप एक्सरे थेरेपी हो रहा है तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट को हम नहीं देंगे। ओपन सूचर में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, समझ लो क्यों नहीं देंगे। रीसेंट हैमरेज नहीं देंगे। क्यों नहीं भाई, रीसेंट हैमरेज हुआ है क्यों देंगे। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, भाई उसको पता ही नहीं है, हाँ, कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है कि हमको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, कि उसका क्या चीज है, तो कैसे हम समझे, तो कैसे मतलब वो डैमेज, वो डेंजर को तो समझ ही नहीं पा रहा है ना, हा? तो कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक ओल्ड पेशेंट, चिल्ड्रन, ओल्ड पेशेंट हो या फिर चिल्ड्रन हो, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम कैसे क्या बोले, तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन नहीं देंगे, उस कंडीशन में भी हम नहीं देंगे, बच्चे को या फिर बूढ़े को नहीं देंगे। तो क्या क्या है फटाफट से देख लें, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। फर्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन में, नेक्स्ट है डर्माटोलॉजिकल कंडीशन में, फिर कैपिलरी डिस्फंक्शन में, देन एनाल्जेसिक ड्रग में। देन एनाल्जेसिक ड्रग में भी देंगे, लेकिन हीट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर इनटेक ऑफ ड्रग। उसके बाद इन्फेक्शन या फिर ओपन वुंड में नहीं देंगे। उसके बाद कैंसर या फिर ट्यूबरक्लोसिस में नहीं देंगे। देन डीप एक्सरे थेरेपी में नहीं देंगे। ओपन सूचर्स में, रीसेंट हैमरेज में, देन लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में, ये सब में नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पैराफिन वैक्स का एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट है पॉइंट, लो स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे क्या है, लो स्पेसिफिक हीट। जो पैराफिन वैक्स है, याद करें, जो पैराफिन वैक्स है इसका क्या है, लो स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या बताए थे, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius। मतलब कि कोई भी 1 kg का जो सब्सटेंस है उसको 1 degree Celsius तक टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट हमें देना पड़ेगा उस सब्सटेंस को, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। तो जो पैराफिन
कोरोनावैक्स है उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसा है, लो है। तो जब स्पेसिफिक हीट ही लो है तो रिस्क बर्न होने का जो रिस्क कैसा होगा, वो कम होगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ वैक्स एट हायर टेम्परेचर देन वॉटर विदाउट रिस्क ऑफ बर्न। जब ये जो पैराफिन वैक्स है इसका लो स्पेसिफिक हीट है तो क्या होगा कि बर्न होने का चांस कम होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका एडवांटेज, लो थर्मल कंडक्टिविटी। याद करें थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, है ना। तो इसका जो पैराफिन वैक्स है इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये कैसा है, लो है। जब थर्मल कंडक्टिविटी ही लो है तो ये क्या करेगा कि जो हीट को कंडक्ट करेगा वो स्लो डाउन करेगा ना, लो है मतलब कि कंडक्ट कर रहा है, स्लोली कंडक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि स्लो हीटिंग ऑफ टिश्यू कैसे हीट कर रहा है, स्लोली ग्रेजुअली हीट कर रहा है। तो क्या होगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ टिश्यू, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मोल्टेन स्टेट अलाउज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू एरियाज लाइक फिंगर्स एंड टोज। ऑब्वियसली जो वैक्स है वो हम मोल्टेन स्टेट में ही ना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब मोल्टेन स्टेट में हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां पे, फिंगर्स में या टोज में, जो भी लिंब है, एक्सट्रीमिटी है, तो वहां पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। अब जो ऑयल है उसमें हम क्या दे रहे हैं, जो ऑयल है वो यूज हो रहा है किसमें, वैक्स में यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, मतलब जो मिनरल ऑयल है ना वो वैक्स में यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है। ऑयल क्या है, ऑयल इम्प्यूरिटी है ना, जो प्रीवियस में बताए थे, जो ऑयल क्या है, इम्प्यूरिटी है। क्यों इम्प्यूरिटी का यूज कर रहे हैं, क्यों एड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको डिक्रीज करने के लिए। तो जो ऑयल है वो यूज हो रहा है जो वैक्स में, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में। लेकिन एडवांटेज क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि ये स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यह है प्रोवाइड कंफर्टेबल टू पेशेंट, उसके बाद इनएक्सपेंसिव टू रिप्लेस वैक्स। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये जो वैक्स है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो बहुत ही रिलायबल है कि पेशेंट इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एडवांटेज में क्या क्या हुआ, लो स्पेसिफिक हीट बताएं, एडवांटेज में क्या क्या हुआ, लो स्पेसिफिक हीट है इसका, लो थर्मल कंडक्टिविटी है इसका। तो क्या होगा, जब लो स्पेसिफिक हीट होगा तो क्या होगा कि बर्न होने का चांस कम हो जाएगा, लो थर्मल कंडक्टिविटी है तो क्या होगा कि हीटिंग ऑफ टिश्यू स्लो डाउन होगा, तो उससे क्या होगा, ओवर हीटिंग नहीं होगा टिश्यू में। उसके बाद मोल्टेन स्टेट में अगर रहेगा, मोल्टेन स्टेट में ही ना है वैक्स, तो मोल्टेन स्टेट में है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक। अब जो ऑयल जो हम मिक्स कर रहे हैं किसमें, वैक्स में, एज इम्प्योरिटी, तो क्या कर रहा है, जो स्किन है स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल दे रहा है, और जो वैक्स है वो तो ऑब्वियसली चीप है ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज इज इट इज इफेक्टिव ओनली फॉर डिस्टल एक्सट्रीमिटी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है कि जो पैराफिन वैक्स है वो ज्यादातर इफेक्टिव कहाँ पे होता है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी के लिए ही ज्यादातर इफेक्टिव होता है। तो इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पैराफिन वैक्स, है ना। नो मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल वंस अप्लाइड। अब आप क्या करोगे कि जो भी जो वैक्स है अगर बहुत ही ज्यादा अगर हीट है और वैसे ही करके आप स्किन पे अप्लाई कर देते हो पेशेंट के, भाई स्किन पे तो अप्लाई कर दिए और टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा है, तो उसका कंट्रोल कर पाओगे, नहीं ना कर पाओगे। उसका टेम्परेचर जो एक बार जो लग गया स्किन पे लग गया, तो उसका टेम्परेचर को तो रेगुलेट कर नहीं सकते हैं। नो मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल वंस अप्लाइड। और जो थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज का, कि ये डिस्पोजल को लेके कंसर्न है, कि एनवायरमेंटल कंसर्न, कि कैसे इसका, कि कैसे हम इसको डिस्पोज करें। वंस ये जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है तो जो वैक्स है वैक्स को डिस्पोज करते हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न है कि इसका ये जो पॉल्यूशन हो सकता है, जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न है, तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्या, पैराफिन वैक्स। अब क्या है कि फाइनली टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक, कि पैराफिन वैक्स को लगाने का क्या तरीका है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, डिप एंड रैप मेथड। ये क्या है, आप इस नाम से समझ लो ना, डिप एंड रैप क्या है कि जो भी पार्ट है जो के ट्रीटमेंट के लिए, सपोज करके हैंड है ये हैंड, तो हैंड को क्या करेंगे कि हैंड को पैराफिन वैक्स में डिप करेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, उसके बाद उसको रैप कर देंगे टावल में, दैट इज कॉल्ड द डिप एंड रैप। तो इसमें क्या है कि ये माइल्ड हीटिंग प्रोवाइड करता है, पेशेंट को क्या बोला जाए कि पेशेंट को भाई अच्छे से वॉश कर लो, जो भी ट्रीटेड पार्ट है उसको वॉश कर लो, उसके बाद ड्राई कर लो। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को क्या करेगा, पेशेंट का जो भी एक्सट्रीमिटी है, सपोज करके जो हैंड ही है, तो उसको क्या करेगा, डिप करेगा। अब डिप करके उसके बाद वहां से निकालेगा, हैंड को निकालेगा और निकाल करके उसको सॉलिडिफाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, जो वैक्स है वैक्स का थिन लेयर बन गया उसके हाथ पे,
है ना। अब उसके बाद फिर से डिप करेगा, कब तक डिप करेगा, अप्रोक्स 18 से 12 बार डिप करेगा, मतलब कि 8-12 टाइम्स वो डिप करेगा कि ताकि वो एक थिक कोट बन जाए। किसका थिक कोट बन जाए, किसका बन जाए, पैराफिन वैक्स का, पैराफिन वैक्स का वो थिक कोट बन जाए, तब तक वो डिप करता रहेगा। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कितना है, 10-15 मिनट का है, ठीक है, 10-15 मिनट का, 10-15 मिनट तक ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है। तो जब ये जो डिप किया कितने बार, अप्रोक्स 8-12 बार वो डिप किया, 8-12 टाइम्स डिप किया, तो क्या हो गया कि थिक कोट बन गया ना, पैराफिन वैक्स का थिक कोट बन गया। अब उसके बाद क्या करेगा, डिप तो हो गया, उसके बाद क्या करेगा, रैप करेगा। तो रैप किससे किया, उसके बाद सबसे पहले प्लास्टिक से रैप किया, उसके बाद फर्दर उसके ऊपर टॉवल से रैप किया। तो दिस इज द डिप एंड रैप मेथड। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, इमर्जन मेथड। इससे पहले क्या था, डिप एंड रैप। डिप एंड रैप में क्या था कि डिप किए, जो हैंड है उसको पैराफिन वैक्स में डिप किए और उसके बाद उसको निकाल करके उसको प्लास्टिक से एंड टॉवल से रैप कर दिया, दैट इज द डिप एंड रैप। इमर्जन, इमर्जन का मतलब डुबाना है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें सिंपली हम हैंड को लिए और लेकर के डुबाए, और डुबाए डुबाए ट्रीटमेंट रखना है, बाहर नहीं निकालना है। तो पहले क्या है कि इसमें पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि पहले हमें जो हैंड हो वो फर्स्ट टाइम में ही डुबा करके नहीं रखना है, उसको क्या करना है कि पहले फर्स्ट टाइम में डुबाएं, मतलब कि 3-4 बार डुबा करके निकाल दिए, तो क्या हो गया, इस पे एक थिन कोट बन गया ना, है ना। थिन कोट किसका बन गया, पैराफिन वैक्स का थिन कोट बन गया। उसके बाद फर्दर हम, जब एक थिन कोट बन जाता है पैराफिन वैक्स का, उसके बाद हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम डिप करते हैं और वहीं पे डिप किए ही रहते हैं अप्रोक्स 15-20 मिनट तक, और उसके बाद वहां से निकालते हैं। तो वो चीज क्या है कि डिप वंस हैविंग अ ग्लव, ग्लव दैट इज कि हम 3-4 बार हम एक थिन कोट बना देते हैं, किसका, पैराफिन वैक्स का, मतलब कि हाथ को डिप करके 3-4 बार हाथ को डिप किए पैराफिन वैक्स में और 3-4 बार थिन कोट बन गया और उसके बाद डिप किए, और जब डिप किए तो वो 15-20 मिनट तक डिप रहेगा, इमर्ज रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नेवर इमर्ज एट फर्स्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेकिंग अ ग्लव, है ना, कि विदाउट मेकिंग अ ग्लव, मतलब कि यहाँ पे थिन लेयर ऑफ जो पैराफिन वैक्स है, थिन लेयर कब बनेगा, 3-4 बार हम डिप करेंगे निकालेंगे, डिप करेंगे निकालेंगे, तो थिन लेयर बन गया ना पैराफिन वैक्स का, है ना, और तभी जा करके हम डालेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही हम डाल दिए और उसको छोड़ दिए, फर्स्ट टाइम में ही डाल करके फॉर लॉन्ग टाइम छोड़ दिए और बोले भाई कि ये तो इमर्जन मेथड है, ये गलती मत करना, है ना। तो ये क्या है, इमर्जन मेथड में क्या है कि नेवर इमर्ज एट फर्स्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट मेकिंग अ ग्लव, ठीक है। इन दिस मेथड द टेम्परेचर एलिवेशन ऑफ बॉडी टिश्यू इज 2 डिग्री सेल्सियस हायर देन डिपिंग मेथड। जो डिपिंग मेथड है, जो डिप एंड रैप मेथड जो था ना, उससे ज्यादा टेम्परेचर इसमें रहेगा। इमर्जन मेथड में ऑब्वियसली इमर्जन मेथड में ज्यादा टेम्परेचर एलिवेट रहेगा ना, क्योंकि इसमें तो हम कंटिन्यू 15-20 मिनट तक हम इसको पैराफिन वैक्स में हम डुबो करके रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री टेम्परेचर तक ये एलिवेट रहेगा। दिस मेथड नीड्स कॉपरेशन एंड टॉलरेंस बाय द पेशेंट। ऑब्वियसली विदाउट द टॉलरेंस एंड विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट कोई चीज तो हो ही नहीं पाएगा ना, तो दैट इज अ थिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट मेथड क्या है, ब्रश मेथड। ऑब्वियसली सबको मालूम होगा नहीं ब्रश मेथड क्या है, तो ब्रश मेथड क्या है कि इट इज लेस कॉमनली यूज्ड। ब्रश मेथड में क्या है, देखो कि ब्रश लिए, जो पेंट ब्रश होते हैं या फिर जो ब्रश होते हैं, ब्रश लिए और उसको लेकर के ब्रश कर करके क्या करेंगे कि लेंगे पैराफिन वैक्स में डुबोंगे और लेकर के ब्रश करते रहेंगे, दैट इज द क्या है, ब्रश मेथड। तो लेस कॉमनली यूज्ड है। 8-10 कोट्स ऑफ वैक्स आर अप्लाइड टू एरिया विद पेंट ब्रश, है ना। जो पेंट ब्रश है उससे हम वैक्स लेंगे और 8-10 कोट हम लगाएंगे, किसका, पैराफिन वैक्स का 8-10 कोट लगाएंगे, ठीक। एरिया इज देन रैप्ड विद टॉवल फॉर 10-20 मिनट्स। अब उसको जो एरिया है, जो हम ब्रश से, जो हम पेंट सॉरी जो ब्रश से हम क्या किए हैं, ब्रश से हम कोट किए हैं ना, ब्रश से हम कोट किए हैं, तो उसको क्या करेंगे कि उसको 10-20 मिनट तक उसको हम वो टॉवल में लेकर के रैप कर देंगे और उसके बाद फर्दर जब वो सूख जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, पैराफिन वैक्स को हटा देंगे, है ना। नेक्स्ट आता है बैंडेज मेथड। देखो बैंडेज मेथड में क्या होता है कि जो बैंडेज होता है कोई भी सूटेबल साइज का या फिर जो मेश होता है, उसे क्या करेंगे, उसे हम जो हॉट वैक्स है ना, हॉट वैक्स उसमें हम डालेंगे और मतलब कि उसमें हम सोक करेंगे, ऑब्वियसली उसमें हम सोक करके जो जो भी लिम्ब है या फिर जो भी एक्सट्रीमिटी है जिसको हम ट्रीट करना है, तो बैंडेज को लेंगे, उसको हम सोक करेंगे वैक्स में और उसके बाद उस लिम्ब को हम रैप करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद जो एडिशनल वैक्स जो बच जाता है उसको हम ऊपर हम पोर करेंगे, किसके ऊपर, ओवर द बैंडेज। आज समझ में। लास्ट क्या आता है, डायरेक्ट पोरिंग मेथड। डायरेक्ट पोरिंग, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये नाम से ही समझ में आ रहा कि क्या मेथड है, डायरेक्ट पोरिंग। भाई डायरेक्ट पोर कर दो, है ना, डायरेक्ट ही पोर कर दो। तो मोल्टन वैक्स इज डायरेक्टली पोर्ड बाय मग, डायरेक्टली जैसे कि पानी को हम मग में लिए और डायरेक्ट पोर करते हैं ना, वैसी सेम चीज कि डायरेक्ट निकालो कंटेनर से, क्या निकालो, पैराफिन वैक्स निकालो और डायरेक्ट वो जो पर्टिकुलर पार्ट है ट्रीटेड उसपे डायरेक्ट पोर करो। तो वही चीज है, मोल्टन वैक्स इज डायरेक्टली पोर्ड बाय मग ऑन पार्ट टू बी ट्रीटेड एंड रैप्ड बाय टॉवल, है ना। और ये क्या होता है कि ये सॉलिडिफाई होने तक वेट करो, मतलब कि 15 से 20 मिनट तक वेट करो और उसके बाद इसको निकाल दो, है ना। तो 4 to 6 layers of wax can be made over body tissue, मतलब कि 4 to 6 layers हो सकता है, मैं 4 to 6 layers ऑफ वैक्स उस पर चढ़ाते जाओ, है ना। और उसके बाद सॉलिडिफाई होगा कब, 15 से 20 मिनट तक सॉलिडिफाई होगा एंड दैट इज कॉल्ड दी क्या, डायरेक्ट पोरिंग मेथड। तो आप ये चीज जान लिए कि मेथड क्या है, कौन कौन सा मेथड है पैराफिन वैक्स का, मेथड क्या है। एक है फर्स्ट हम बात किए डिप एंड रैप मेथड, दूसरा हम बात किए इमर्शन मेथड, तीसरा हम बात किए ब्रश मेथड, चौथा हम बात किए बैंडेज मेथड एंड पांचवा हम बात किए कौन सा, डायरेक्ट पोरिंग मेथड, है ना। इजी, तो इतने से इजी वाले टॉपिक में आप क्या क्या चीज समझ लिए कि पैराफिन वैक्स का इंट्रोडक्शन समझ लिए, इसका प्रिंसिपल समझ लिए, प्रिंसिपल में क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में समझ लिए, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लिए, उसके बाद क्या समझे कि जो पैराफिन वैक्स का यूनिट क्या है, देन इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, देन इसका इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ऑल दी मेथड्स, तो ब्ला 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 सब कुछ समझ में आ गया, है ना। तो जब समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि क्या आपको समझ में आया, कितना आपको समझ में आया। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 करके आप इसको बता दें। और एक और बात, क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चीज बिल्कुल ना भूलें। और जो भी अपने फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे तहे दिल से, पूरे दिल से आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, देयर इज नो रोक टोक, नथिंग एल्स। और इसके जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो कहां मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां के टेलीग्राम में का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन करें, फिर वहां के फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें, उसको डाउनलोड करें और आराम से खुल के पढ़ें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।